रात बड़े भैया का फोन आया था। रूंधे गले से उन्होंने बस इतना कहा था, सुमी दिव्या नहीं रही। बस एक वाक्य और फोन चुप हो गया था। मैं भी निर्निमेश उसे देखते हुए काट होकर रह गई थी। दिव्या नहीं रही, दिव्या जो जीवन का, सौंदर्य का, उल्लास का, उमंग का प्रतीक थी, वह नहीं रही। यह कैसे हो सकता है? सचमुच हरदम हंसती, खिलखिलाती, ठुमकती, मचलती दिव्या को मृत्यु के साथ जोड़कर देखना बड़ा कठिन लग रहा था। पर यह मजाक तो नहीं हो सकता, ऐसा क्रूर मजाक, और वह भी बड़े भैया क्यों करेंगे। इस धक्के से उबरने में मुझे कोई आधा घंटा लग गया। मन जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मैंने ही फोन लगाया। इस बार लाइन पर छाया थी। ठीक तो है, वही तो सबसे पास है, दौड़कर पहुंच गई होगी। वह भी बुरी तरह टूटी हुई थी। सुबकते हुए उसने जो कुछ बताया उसका सार यह था कि दिव्या ने अपनी लैब की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसके प्राण पखेरु तक्षण उड़ गए थे। अब यह पता लगाना मुश्किल है कि यह आत्महत्या है या मात्र दुर्घटना। हत्या की संभावना को भी एकदम नकारा नहीं जा सकता। ये तीनों ही संभावनाएं मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उसने तो अपनी पसंद से यह करियर चुना था और अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ सपनों के देश में बसने चली गई थी। शादी को अभी मात्र 3 साल ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी कोई इतना हताश हो सकता है? और उसकी हत्या भला कोई क्यों करेगा? क्या उस जैसी निश्चल सरल लड़की से भी किसी की दुश्मनी हो सकती है? और दुर्घटना का तो सवाल ही नहीं उठता। वह तो अपने सहकर्मी से कहकर गई थी कि वह फ्रेश एयर लेने ऊपर जा रही है। फ्यूनरल कब है, कहाँ है, मैंने दबी आवाज से पूछा। दिव्या जैसी लड़की के फ्यूनरल की कल्पना तक सिहरा देती है, पर औपचारिकता है, पूछना ही पड़ा। फ्यूनरल तो बुआ वही हो गया, यहाँ लाने लायक स्थिति नहीं थी। चित्रा और अंकित गए हैं, मैं तो, और वह चुप हो गई। मैं समझ गई कि देवी जी फिर से उम्मीद से हैं। चित्रा की शादी में मिली थी तब एक बेटी थी, दूसरी की तैयारी थी। दिव्या की शादी में देखा तो 2 कन्याएं हैं, तीसरे की आहट है, और अब यह चौथे की सूचना। इस बार भी बेटी ही हुई तो? उस मन स्थिति में भी मुझे छाया पर खींच हो आई। अच्छा, मैं कल रवाना हो रही हूँ, भैया भाभी का ख्याल रखना, मैंने कहा और फोन रख दिया। फिर एक फोन योगेश्वरी ट्रेवल्स को किया कि कल किसी भी गाड़ी से मेरा आगरा के लिए रिजर्वेशन करा दे। इस उम्र में अब धक्के खाते हुए जाने की हिम्मत नहीं होती। रात में ही मैंने सूटकेस जमा कर रख लिया, कल जिस भी गाड़ी में सीट होगी निकल जाऊंगी। सब समेट कर सोने गई तो 12:30 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था। एक मन हुआ पम्मी को फोन कर लूं, पर घड़ी देखकर अपने को रोक लिया। वैसे भैया ने वहां भी फोन तो कर ही दिया होगा, वह भी मेरे आगे पीछे ही पहुंचती होगी। मुंह से चाहे जैसा उल्टा सीधा बोलती रहे, पर ऐसे समय में सब कुछ भूलकर दौड़ी चली आएगी, मुझे विश्वास है। इस समय हम दोनों का वहां होना बेहद जरूरी है। भाभी रो रो कर बेहाल हुई जा रही होगी, भैया को सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं होगा। अम्मा के बाद उस घर से संबंध थोड़े औपचारिक हो गए थे। जब तक अम्मा थी तब तक तो मैं हर छुट्टी में घर पहुंच जाती थी, इसीलिए लड़कियां भी मुझसे हिली हुई थी। खासकर दिव्या के लिए तो मैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड थी। पर अम्मा के बाद सब कुछ बदल गया। अम्मा की 13वीं पर ही मैंने भाभी को किसी से कहते सुना था, अरे एक सास मर गई तो क्या हुआ, दूसरी तो अभी बैठी है। वे तो बेचारी खटिया से लगी थी, पर यह तो खासम खास है, अभी पता नहीं कितने दिनों तक और राज करेगी। अपने स्नेह की ऐसी अवमानना देखकर मन खट्टा हो गया था। तब से मैंने घर जाना छोड़ दिया था। या तो पम्मी के यहाँ कुछ दिन चली जाती, या फिर किसी यात्रा कंपनी के साथ भारत भ्रमण पर निकल जाती। भैया के यहाँ तो बस लड़कियों की शादी या सगाई में ही जाना होता था, इसीलिए दिव्या की भी जो आखिरी छवि मेरे मन में अंकित थी वह नववधू की ही थी। शादी के तुरंत बाद वह तो अमेरिका चली गई थी, उसके बाद शायद एकाध बार ही आई हो। रात भर दिव्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा, उसके कई रूप याद आते रहे। यूं तो तीसरी बेटी के जन्म पर घरों में मातम छा जाता है,
पर जब नर्स ने वह जापानी गुड़िया हाथों में थमाई थी तो क्षण भर को अम्मा भी अपनी हताशा भूल गई थी। वह लड़की घर भर की आंखों का तारा थी, खिलौना थी। घर और बाहर उसने इतना प्यार बटोरा था कि उस पूंजी के सहारे वह 7 जन्म जी लेती। इसीलिए तो उसकी आत्महत्या की बात गले नहीं उतर रही थी। किसी तरह ठेल ठाल कर मैंने अपने को ट्रेन में चढ़ाया था। अम्मा की बात से घर जाने का उत्साह ही खत्म हो गया था। फिर भी शादी ब्याह में जाते समय उत्साह न सही, एक उत्सुकता तो रहती ही है, पर इस बार तो यह सफर पहाड़ सा लग रहा था। वक्त काटने के लिए मैंने पिछली यात्राओं को याद करना शुरू किया। सबसे पहले छाया की शादी याद हो आई। मैं और पम्मी करीब करीब साथ ही पहुंचे थे। शादी में अभी 4-5 दिन बाकी थे, पर घर अभी से गोदाम बन गया था। पीछे वाला बरामदा तो बोरियों से अटा पड़ा था। कमरों में बिखरा हुआ सामान भी अपने लिए मुनासिब जगह तलाश कर रहा था। हमें लगा कि इस महासागर में अगर हमारी अटैचियां खो गई तो ढूंढे नहीं मिलेगी। नहा धोकर हम लोग सुस्ता ही रहे थे कि एक तोंदियल सा शख्स दाखिल हुआ। आंटी, आपकी लिस्ट के अनुसार सारा सामान भिजवा दिया था, मिला लिया था? बाकी सामान तो आ गया, पर शायद बासमती का कट्टा नहीं पहुंचा। आप क्या पंगत में बासमती परोसेगी आंटी जी? गोल्डन सेला चलने दीजिए, आजकल सब जगह रिसेप्शन में यही चलता है। मुकुंद, पंगत में जो तुम्हारा जी चाहे बनवाना, मैं तो घर के लिए मंगवा रही थी। अब साल भर तीज त्योहार चलते रहेंगे, दामाद का समधियों का आना जाना लगा ही रहेगा, उन्हें क्या सेला चावल खिलाऊंगी? अभी ले आऊं या बाद में लाने से चलेगा? बाद में ले आना, अभी ले आते तो लगे हाथ साफ सूफ करके गोलियां डाल के रख देती। जी अच्छा, कहकर जब वह मुकुंद नामक प्राणी चला गया तब मैंने पूछा, आजकल गोपाल दास के यहाँ से सामान नहीं आता क्या? या कि यह उन्हीं का आदमी है? क्या बात करती हो भाभी जल्लाई, ये तो इनका स्टूडेंट है, फाइनल में है, इंग्लिश में एमए कर रहा है। पम्मी चिहुकी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे तो लगा जैसे सीधे किराने की दुकान से उठकर चला आ रहा हो। उसकी दुकान है, शहर का सबसे बड़ा किराना मर्चेंट है उसका बाप। मुझसे बोला कि इस बार छाया दीदी की शादी का सामान हमारे यहाँ से लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमें क्या कहीं भी पैसे देने हैं, वहां ना दिए यहाँ दे दिए। ये पैसे देंगी? पम्मी फुसफुसाई। मैंने बड़ी मुश्किल से चिकोटी काटकर उसे चुप किया, फिर विषय बदलने की गरज से भाभी से कहा, हमें होने वाले दामाद की फोटो तो दिखाइए, हमने सुना है कि वे भी भैया के स्टूडेंट थे। हाँ, पिछले साल ही तो फाइनल किया है, गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा, अब पीएचडी कर रहे हैं, मुरादाबाद में लेक्चरर हैं। भाभी फोटो लेने अंदर चली गई तो बम्मी ने कहा, कन्यादान के लिए गोल्ड मेडल की वरदक्षिणा, सौदा कोई बुरा नहीं, क्यों दीदी? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? चुप कैसे रहूं दीदी, मुझे तो यह चिंता खाए जा रही है कि इस साल अगर इस मोटुमल की पोजीशन आ गई तो बेचारी चित्रा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पम्मी की बात पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। अच्छा हुआ भाभी फोटो लेकर प्रकट हो गई, बात वहीं दब गई। हम लोग फोटो का मुआयना कर रहे थे कि एक सुदर्शन सा नवयुवक एक मिस्त्री टाइप व्यक्ति के साथ मंच पर अवतरित हुआ। आंटी जी, आप इलेक्ट्रिशियन के लिए कह रही थी, ले आया हूँ, क्या क्या काम करवाना है बता दीजिए। सामान ले आए? कैसा सामान? एक तो बिजली की झालरें चाहिए, पूरे कंपाउंड में मकान में लगेंगी। 2 बड़े पंखे चाहिए, एक बरामदे में लगेगा और एक छत पर। 2 पंखे और कूलर जनवासे में भी लगेंगे। हाँ, वहाँ एक रंगीन टीवी भी चाहिए, दूसरे दिन इतवार है, वे लोग महाभारत देखेंगे। और देखो, एक बड़ा सा फ्रिज 2 पहले से ही यहाँ आ जाए, हलवाई ने कहा है कि बंगाली मिठाई फ्रिज में ही रखी जाएंगी। वह लड़का मुंह बाए भाभी की फरमाइशें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, ये सब सामान कहाँ से आएगा? अरे, अब यह भी मैं बतलाऊंगी, अजीब आदमी हो, हाथ हिलाते चले आए। सामान नहीं होगा तो इस बिजली वाले का मैं क्या अचार डालूंगी? लड़का अपना सा मुंह लेकर बाहर चला गया, साथ में वह मिस्त्री भी। पम्मी एकदम पूछ बैठी, भाभी क्या ये भी स्टूडेंट है? हाँ, क्यों?
तो इस साल इसे ही गोल्ड मेडल दिलवा दीजिए। क्यों? उस समय पता नहीं कहां से चित्रा कमरे में टपक पड़ी। पम्मी की उससे कभी नहीं बनी। इस बार भी पम्मी को अपमानित करते हुए कसैले स्वर में बोली, उसे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है छोटी बुआ, आलोक हमेशा से टॉपर रहा है। चित्रा शायद सेफ की चाबी लेने आई थी, लेकर चली गई, पर वातावरण को बड़ा असहज बना गई। मैंने वातावरण को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहा, दरअसल भाभी लड़का इतना सुंदर है कि हमें लगा चित्रा के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। अरे सुंदर है तो क्या सिर पर बिठा लें? भाभी ने हिकारत से कहा, ना जात का ना बिरादरी का, वैसे भी चित्रा के लिए तो हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही ढूंढेंगे। वो तो छाया का रंग थोड़ा दबा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो प्रोफेसर ही सही। हाँ सो तो है, प्रोफेसरों को तो कैसी भी बीवी चल जाती है। पम्मी किसी तरह बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती उठाते हुए कहा, चल थोड़ा लॉन में घूम लेते हैं, बैठे बैठे पांव अकड़ गए हैं, अब तो धूप भी कम हो गई है। बाहर आते ही मैंने उसे आड़े हाथों लिया, तुम्हारी जबान पर क्या कांटे उगाए हैं जो एक बात भी सीधी नहीं निकलती, कुछ भी कहने से पहले कम से कम मेरा तो ख्याल किया करो। तुम्हारे पास तो अपना घर परिवार है, पर मुझे तो रिटायर होकर यहीं इन्हीं लोगों के पास आना है। कोई जरूरी है? मेरे यहाँ भी तो आ सकती हो। बहुत संकोच हो रहा हो तो अपनी सारी जमा पूंजी मेरे छोटे के नाम कर देना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मैं कोई माकूल सा जवाब सोच ही रही थी कि उसने कहा, दीदी उधर फाटक पर देखो। मैंने देखा आलोक नामक वह शख्स अपने स्कूटर पर अब भी बैठा हुआ सड़क ताक रहा था। कमाल है, इतनी लताड़ खाने के बाद भी जनाब अब भी जमे हुए हैं। गोल्ड मेडल का सवाल है दीदी, शायद मिस्त्री को भेजकर सामान मंगवाया होगा। पर इस बार पम्मी का अंदाजा गलत साबित हो गया था। बाद में पता चला था कि बिजली का काम भी मोटूमल ने ही अंजाम दिया था, इस फिक्रे के साथ कि यह काम क्या उस घोंचू के बश का है। उस समय आलोक को मिस्त्री का नहीं किसी और का ही इंतजार था। एकाएक वह सतर्क होकर खड़ा हो गया। एक साइकिल सड़क से सरपट आती हुई सर्र से फाटक के भीतर दाखिल हुई और उसके साथ साथ आलोक भी। वो दिव्या थी, स्कूल से लौटी थी। आते ही दोनों में तकरार शुरू हो गई। ये वक्त है तुम्हारा घर लौटने का, घड़ी देखी है? ओफो नाराज क्यों होते हो, एक्स्ट्रा क्लास थी आज फिजिक्स की। फेंको मत, जुलाई में कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगती है? लगती है बाबा, हमारे यहाँ 10th और 12th के लिए वीक में 2 बार लगती है, उसने रुआंसी आवाज में कहा। और आप अभी मत जाना, मैं अभी तैयार होकर आई। कहाँ जाना है? मार्केट, और कहाँ, चूड़ियां लेनी है, मेकअप का सामान खरीदना है, टेलर के यहाँ से लहंगा उठाना है। तो आओ जल्दी करो। जैसे ही वह मुड़ी उसने हम लोगों को देखा। अरे आप लोग कब आई? आलोक दा ये मेरी दोनों बुआ हैं, ये सुमी बुआ और ये पम्मी बुआ। उसने शालीनता से हाथ जोड़ दिए। दिव्या ने हमारे पांवों को हल्का सा स्पर्श किया और भीतर भाग गई। जाते हुए फिर एक बार आलोक को रुकने के लिए जता गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि उसने मेरा इतना औपचारिक अभिवादन किया था, नहीं तो वो तो बस लिपट जाती थी, झूम जाती थी, मचल जाती थी कि अभी सूटकेस खोलकर दिखाइए कि हमारे लिए क्या लाई है। थोड़ा बुरा तो लगा, पर मैंने मन को समझा लिया कि दिव्या अब बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। और सचमुच जब वह तैयार होकर बाहर आई तो मानना पड़ा कि वह बड़ी हो गई है। स्कूल यूनिफॉर्म में गुड़िया सी दिखती दिव्या सलवार सूट में एकदम आकर्षक युवती लग रही थी। वह बाहर आई तो भाभी भी साथ थी, दोनों में खूब चकचक हो रही थी। मुझे देखते ही दिव्या बोली, अच्छा बुआ फंक्शन में एक आध दिन लिपस्टिक लगाने में कोई हर्ज है? मैं भाभी का मूड देखकर जवाब सोच रही थी कि भाभी ही बोल उठी, अरे जब एक ही बार लगानी है तो अलग से खरीदने की क्या जरूरत है, अजब तमाशा है, तीनों का सामान अलग आएगा। बड़ी तो खैर दुल्हन है, पर ये दोनों तो साझे में काम चला सकती हैं कि नहीं। एक हमारा जमाना था, घर में एक पाउडर का डिब्बा आता था, घर भर लगाता था। हमारा आपका जमाना बहुत पीछे छूट गया भाभी, हमारे यहाँ तो वह एक लोता पाउडर का डिब्बा भी बाबूजी से छुपा कर लाना पड़ता था,
नहीं तो घर भर में महाभारत मच जाता था। तब तक आलोक और दिव्या फाटक तक पहुंच चुके थे। आलोक ने स्कूटर स्टार्ट किया और दिव्या उछलकर पीछे बैठ गई। उनकी आंखों से ओझल होते ही पम्मी ने एक विशिष्ट भंगिमा से मेरी ओर देखा। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी ने उसका मतलब भांप लिया। तमक कर बोली, पम्मी जी ज्यादा चतुराई न झाड़ो। सुमी कुछ समझे न समझे, हम तुम्हारे इशारे खूब समझते हैं। बेटों वाली हो ना, इसीलिए तुम्हारी नाक ऊंची है। हमें तो पग पग पर इन लड़कों का मुंह जोहना पड़ता है। इस जमाने में लड़कियों को क्या अकेले कहीं भेजा जा सकता है? फिर तुम्हारे भैया तो हमेशा कहते रहते हैं कि तुम एक बेटे के लिए रोती हो, तुम्हारे तो इतने बेटे हैं, इन्हें ही अपना समझो। कहते कहते उनका गला भर आया था। अनजाने ही पम्मी ने उनकी दुखती रग छू ली थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया जा सका था। इसके बाद मैंने पम्मी से कसम ले ली थी कि जितने दिन रहोगी शराफत से रहोगी, एक बार भी बदतमीजी की तो मैं उसी दम भोपाल लौट जाऊंगी। इसके बाद पम्मी ने तो शराफत ओढ़ ली, पर मेरी ही नजरें चोर बन गई। जब भी वे दोनों साथ होते मैं अनजाने उनकी ही गतिविधियां नोट करती रहती। उस घर में आलोक की कोई हैसियत हो न हो, दिव्या के लिए उसका शब्द आदेश था। हर काम में हर बात में आलोक का सहयोग और सहमति आवश्यक थी। अल्पना के लिए आलोक का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो वह उसे मिटाकर दोबारा बनाएगी। मेहंदी का डिजाइन वे पसंद करेंगे। दिव्या के चेहरे पर कौन सी हेयर स्टाइल फबेगी इसे भी वे ही तय करेंगे। कपड़ों का चुनाव तो उन्हीं को करना था। गरज यह है कि हर बात में उनकी मुहर का लगना जरूरी था। लेडीज संगीत वाले दिन की घटना याद आ रही है। उस दिन दिव्या ने खूब रंग जमाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि वह इतना अच्छा नाच लेती है। उस दिन बहुत सुंदर भी लग रही थी। किसी ने कहा, दिव्या तुम्हारा चुन्नी बेस मोर पंखी है ना, शादी वाले दिन लम्हे वाला डांस, बागों में मोर नाचे, मजा आ जाएगा। नहीं, एक गरज सी सुनाई दी। हम सब चौंक पड़े। तब तक हमें आलोक की उपस्थिति का एहसास ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि बरामदे में बैठा वही कैसेट चला रहा था। शादी में कोई नहीं नाचेगा, उसने सख्त लहजे में कहा। क्यों? दिव्या ने इतरा कर पूछा। ये कोई फिल्मों का सेट है कि घर की लड़कियां नाचेंगी? पता है ठेठ गांव की बारात है और गांव में नाचने वाली लड़कियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। पर मेरे इतने महंगे सूट का क्या होगा? अपनी शादी पर पहन लेना, पर इस शादी में नाच वाच नहीं होगा, कह दिया। और सचमुच नाच नहीं हुआ और ना ही दिव्या ने वह सूट पहना, पर उसने जो भी पहना था उसमें भी वह गजब ढा रही थी। देखने वालों की आंखें उस पर अटक जाती थी। आलोक को यह भी सहन नहीं हुआ, डपट कर बोला, तुम्हें दौड़ दौड़ कर कोल्ड ड्रिंक सर्व करने की क्या जरूरत है? ये इतने सारे बैरे यहाँ किस लिए हैं? फिर मुझसे बोला, बुआ जी इसमें तो जरा भी अकल नहीं है, जरा आप ही इसे समझाइए। और इन उज्जड़ गंवारों को तो देखिए, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे हैं, जैसे लड़की पहली बार देख रहे हूँ। मेरा वश चले तो किसी को उनके सामने ही ना पड़ने दूं। और सचमुच उसने ऐसा ही किया। दिव्या को बुरा तो लगा होगा, पर वह आलोक की अवज्ञा नहीं कर सकी। यह उम्र ही ऐसी होती है, हम जिसे चाहते हैं उसकी हर बात सिर माथे ले लेते हैं। दिव्या उम्र के उसी मोड़ पर थी। आलोक उससे 4-5 साल बड़ा था, इसी नाते उसे हिदायतें भी दे रहा था, उसकी हिफाजत भी कर रहा था। मैं परेशान हो उठी। मैंने जिस सच को 4 दिन में पकड़ लिया था, क्या भैया भाभी उससे अनजान होंगे? या कि उनकी नजरों में दिव्या अब भी बेबी ही थी, या कि फिर यह मेरा ही भ्रम था। चित्रा छाया से 3 साल छोटी थी। 3 साल बाद उसकी भी शादी का नंबर आ गया। एमएससी में टॉप करके चित्रा उन दिनों आसमान में उड़ रही थी। आईएएस बनने के ख्वाब देख रही थी। भैया ने अपनी लाडली के लिए आईएएस दुल्हा ही ढूंढ दिया। मैं और पम्मी तो छाया की शादी की ठाठ देखकर ही दंग रह गए थे, पर चित्रा की शादी देखकर लगा कि वह ठाठ बाट तो कुछ भी नहीं था। इस बार घरातियों के लिए एक शानदार बंगला किराए पर लिया गया था। बरातियों का इंतजाम तो 3-स्टार होटल में था। दहेज का सामान देखकर तो आंखें चकाचौंध हो गई। सब कुछ इम्पोर्टेड था। 30 तोला सोना और चांदी के बर्तनों का पूरा सेट। साड़ी कोई भी 2000 से कम की नहीं होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी हम विस्मय विमुग्ध थे। क्या सचमुच भैया की इतनी हैसियत है?
लेकिन इस शाही सरजाम के बावजूद बारातियों के मिजाज नहीं मिल रहे थे। बार बार शिकायतें आ रही थी, रूम सर्विस ठीक नहीं है, एसी काम नहीं कर रहा, कमरे में कलर टीवी नहीं है, फोन पर एसटीडी सुविधा नहीं है। भैया बार बार फोन पर गिड़गिड़ाए जा रहे थे। सर, मैंने तो इस शहर का सबसे पॉश होटल आपके लिए बुक कराया है, इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ। अपने धीर गंभीर विद्वान और रौबदाब वाले भाई को इस तरह गिड़गिड़ाते देखना बड़ा बुरा लग रहा था। उधर होटल वाले बरातियों की बदतमीजियों की शिकायत किए जा रहे थे। भैया अजीब पशोपेश में थे। उन लोगों की बदतमीजी का प्रमाण तो द्वाराचार के समय ही मिल गया था। नाचते नाचते 3 घंटे तो उन लोगों ने रास्ते में ही लगा दिए। भैया के सारे गणमान्य अतिथि भाभी के हाथ में लिफाफा थमाकर बिना खाए पिए ही चले गए। अपनी बेटी के लिए भैया ने हीरे जैसा दामाद ढूंढा था, पर उसका प्रदर्शन करने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। बाद में लगा कि अच्छा ही हुआ जो सब लोग जल्दी चले गए। बाद का नजारा जरा भी देखने लायक नहीं था। सब लोग, खासकर लड़के, नशे में धुत थे। वे लोग अश्लील गाने गा रहे थे, भत्ती फप्तियां कस रहे थे। वे लोग कोल्ड ड्रिंक से होली खेल रहे थे, गिलासों को फुटबॉल की तरह लुढ़का रहे थे। एक दो वेटरों के साथ तो झूमा चटकी भी हो गई। सजे सवरे पंडाल का उन्होंने पल भर में नक्शा बदल दिया। कटरर के साथ बदसलूकी की तो वह जाने की धमकी देने लगा। अब भैया कभी उसके हाथ जोड़ रहे थे तो कभी उन लड़कों के। मेरा तो खून खोल उठा था। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जब्त किए रही, ऐसा न हो कि अपनी वजह से रंग में भंग हो जाए। उधर भाभी बार बार आंसू पोंछते हुए अपने भाग्य को कोस रही थी। काश एक बेटा होता तो आज बाप के साथ खड़ा होता। वहां जो एक सुपुत्र थे, यानी कि सन इन लॉ प्रोफेसर जितेंद्र, बड़े ही निर्लिप्त भाव से सारा तमाशा देख रहे थे। मौका पाते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, बुआ जी देख रही है ना, अब इन्हें पता चलेगा कि बारातियों के नखरे क्या होते हैं। हमारा तो गवई गांव का परिवार था, उसे धर्मशाला में टिका दिया, 5 मिठाइयों वाली पंगत दे दी, छुट्टी पा गए। हमारा तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, हम तो लिहाज में ही मारे गए। पापा जी को अब आनंद आ रहा होगा। पापा जी की फजीहत का सबसे ज्यादा आनंद तो खुद जितेंद्र ही उठा रहे थे। सब कुछ देखकर उन्हें बड़ा आसुरी संतोष मिल रहा था। मुझे तो छाया पर तरस आ रहा था। दीन दुनिया से बेखबर, बस अपनी छुटकी में ही मगन थी। एक गोद में, एक पेट में, दोनों बच्चों ने उसे हलकान कर रखा था। दूसरों की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं था। सबसे ज्यादा ताव तो मुझे चित्रा पर आ रहा था। महंगा ब्राइडल मेकअप करवाकर ऐसे तनी बैठी थी मानो विश्व सुंदरी का खिताब जीत लिया हो। लड़के पापा का अपमान कर रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, बेजा फरमाइशें कर रहे थे। उसे जैसे किसी चीज से सरोकार ही नहीं था। स्टेज पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अपने नए नवेले पति से बतिया रही थी, यह लड़की है या बर्फ का गोला, मेरा तो यह देख देख कर खून खोल रहा है, पर इसे देखो माथे पर शिकन तक नहीं है। दीदी खून खून में फर्क होता है, पम्मी ने गंभीरता से कहा। हमारा तुम्हारा खून खोलता है क्योंकि वह पसीने की कमाई से बना है। यहाँ का हाल तो तुम जानती ही हो। पम्मी बात कड़वी कहती है पर वह अक्सर सच बोलती है। सचमुच हम लोग तो इतना अपमान बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मुझे 22 साल पुरानी घटना याद हो आई। बारातियों के वही परंपरागत तेवर थे। वधु पक्ष उसी तरह क्षमा याचना की मुद्रा में खड़ा था, मान मनुहार हो रही थी। पता नहीं किससे क्या बदसुलूकी हो गई थी कि बाराती नाराज हो गए थे। दूल्हे की घोड़ी दरवाजे पर रोक दी गई थी और मान मनोवल का दौर जारी था। छज्जा मेरी सहेलियों से पट गया था। सब दूल्हे को देखने के लिए बेताब थी और दूल्हा था कि दूर सड़क पर ही खड़ा हो गया था। खुसर फुसर सुनकर मुझसे भी कमरे में नहीं बैठा गया। मैं भी अपनी बनारसी साड़ी संभालती हुई सखियों के पीछे आ खड़ी हुई। ऊपर से देखा, बाबूजी, भैया, चाचा जी सबके सब हाथ जोड़कर प्रार्थना किए जा रहे हैं और सामने वाले तनी हुई मुद्रा में खड़े हैं। मेरा तो खून जैसे उबलने लगा, कनपटियां फड़कने लगी। तभी सुना कोई सिरफिरा बिगड़ैल नौजवान बाबूजी से कह रहा है, ए मास्टर, अपनी औकात में रहो, ज्यादा लप्पन छप्पन की जरूरत नहीं है। यह सुनना था कि मुझे तो जैसे आग लग गई। मैं दनादन सीढ़ियां फलांगती नीचे उतर आई। बीच मंडप में आकर मैंने ऐलान कर दिया, बाबूजी इन लोगों को विदा कर दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती।
सब लोग एकदम सन्न रह गए। अम्मा तो बेहोश ही हो गई। अब भैया भाभी चाचा सब मुझे समझाने में जुट गए। बाबूजी ने भी कहा, बेटा यह कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। हिंदुस्तान में हर बराती अपने को राजा समझता है और बेटी का बाप दुनिया का सबसे निरीह और असहाय प्राणी है। उसे इन जिल्लतों से गुजरना ही पड़ता है। पर तू इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी तबाह न कर। नहीं बाबूजी, यह मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। ऐसे संस्कारहीन परिवार में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। इससे तो मैं कुमारी ही भली हूँ। लिहाजा बारात बैरंग लौटा दी गई। हिंदुस्तान में जिस लड़की के घर से बारात लौट जाती है, उसकी शादी फिर आसानी से नहीं हो पाती। मेरी भी नहीं हो पाई। बाबूजी को जिंदगी भर इसका मलाल रहा। भैया भाभी को तो खैर अच्छा बहाना मिल गया। उन्होंने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब हम पम्मी की शादी का भी जोखिम नहीं लेंगे, बेकार में जगहसाई होती है। पम्मी ने भी किसी को जहमत नहीं दी, किसी के एहसान नहीं लिए। उसने खुद अपना पति चुन लिया और मंदिर में फेरे ले लिए। घर वालों को बाद में सूचना भेज दी। उसे गर्व है कि उसके लिए न किसी ने जूते चटकाए न किसी के पैर पूछे। पिछली पीढ़ी की लड़कियां थी हम, फिर भी इतना साहस कर सकी। और ये तथाकथित आधुनिकाएं,